नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम जो कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है दोस्तों, उसका नाम है ब्रुक, और ये जिस किताब से ली गई है उसका नाम है मिरेकल हैपन्स। आज हम कहानी देखने ही वाले हैं दोस्तों, लेकिन उसके पहले एक आपको एक बात सुनाना चाहता हूँ और एक आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा। दो तीन दिन हो गए दोस्तों, एक मुझे मैसेज आया व्हाट्सअप पर, और शायद वो एक मैडम जी थी, और उन्होंने कुछ सवाल पूछे। मैंने भी अपने हिसाब से उनको कुछ जवाब देने की कोशिश की दोस्तों, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि कुछ सालों से वो आध्यात्मिक रास्ते पर ही चल रही है, वो भगवान को वगैरह मानती है और बहुत ही अच्छे से अपना आध्यात्मिक, जिस तरह से हम पूजा पाठ वगैरह करते हैं या फिर स्मरण करते हैं ईश्वर का, तो वैसे ही वो चल रही थी। लेकिन बाद में अचानक उनको ये पता चला दोस्तों कि उनको कैंसर है। तो ये सारी जो चीज़ें, जब वो मैसेज पढ़ा, सचमुच मेरा दिल एकदम मतलब ज़ोर ज़ोर से, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे इतना बुरा लग रहा था दोस्तों कि ऐसा लग रहा था कि मैं किसी के लिए कुछ नहीं, क्यों नहीं कुछ कर सकता। तो जितना हो सके मैंने यही दिल से प्रार्थना की, और उनको जितना हो सके कुछ किताबें देने की कोशिश की, वो ऑडियो भी दी, और उनको यही कहा कि आप चिंता ना करें, सब कुछ ठीक होगा। और मैंने उनको सच में दोस्तों की एक आता है ना कि आँखों में आंसू ही आ गए मेरे, कि कभी कभी हम बहुत ही हेल्पलेस बन जाते हैं, किसी को कुछ कर नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे आज रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कि हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप भी प्रार्थना करेंगे ऐसे लोगों के लिए जो ऐसे बीमारी से जूझ रहे हैं, मैं आपसे सच कह रहा हूँ दोस्तों, मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप प्रार्थना करें कि जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ वैसे ही, कि हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, इस दुनिया में जो भी बीमार लोग हैं, जिनकी बीमारी शायद बड़ी है, तो ऐसी बीमारी को आप ही दूर कर सकते हैं, और आप ही दूर करना, हमें आप पर पूरा भरोसा है कि आप इन सारी चीज़ों से हमें छुड़ा सकते हैं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आप हमेशा हमारी रक्षा करना और हमारे आत्मा के सारथी बनकर हमारे जीवन को उच्च राह पर लेकर जाना, और उस राह पर आप हमेशा हमारे साथ रहना और हमारे हाथ पकड़कर ही हमें चलाना, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर। ये जो प्रार्थना है दोस्तों, अगर आप वो दिल से करेंगे या फिर आप सुनेंगे भी आंखें बंद करके, एक दिल से कनेक्टिविटी, एक परमेश्वर को सामने अपने रख के, तो सचमुच मुझे लगता है कि एक मैं करूँगा उससे अच्छा है कि हम सब मिलकर करें। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ कि हम सब के लिए ऐसे जो लोग हैं, जो बेचारे बीमार हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें और उनके जीवन में कुछ अच्छा हो। दोस्तों, इसी प्रार्थना के साथ हम इस कहानी को शुरुआत करते हैं। ये जो ब्रुक है लड़की दोस्तों, वो एक डॉक्टर थी, और उसके जीवन में ये था दोस्तों, उसका बहुत ही अच्छा परिवार था, और बहुत ही अच्छा ऐसे परिवार के जो प्यार करने वाले लोग होते हैं उनके साथ, वैसे ही परिवार में जन्मी थी, उसके परिवार के लोग इसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन अपने काम के वजह से ये अलग रहती थी, उसको अलग रहना पड़ता था, क्योंकि उसका जो घर था वो बहुत ही दूर था उसके काम से। तो इस वजह से वो अलग, जहाँ पर उसका क्लिनिक था वहाँ से पास ही उसने अपना घर लिया था, और अपने जीवन में वो अच्छी तरह से बढ़ रही थी। और उसने ये कहा है कि वो अच्छे खासे पैसे भी कमा रही थी, और वो यही कह रही थी कि मैं लोगों की सेवा जो कर रही थी उससे भी मुझे बहुत सारा समाधान मिलता था। लेकिन इसके जीवन में प्रॉब्लम ये थी दोस्तों, कि इतना अच्छा परिवार है, इतने अच्छे लोग हैं, लेकिन फिर भी ये जो लड़की है दोस्तों, वो अपने आप को अकेला महसूस करती थी। उसको ये लगता था कि शायद मैं अकेली हूँ, या फिर किसी का मुझ पर ध्यान नहीं है। अगर उसके परिवार वाले भी इसको फ़ोन करते, फिर भी ये उनसे तो ठीक से बात भी नहीं करती थी। मतलब ऐसा कि ये खुद ही कहती है कि मुझे अच्छा परिवार मिला, वो मुझसे अच्छे बातें करते हैं, लेकिन फिर भी जो अकेलापन है उसके दिल में वो वैसे ही रह गया था। तो इस वजह से उसने सोचा कि वो अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाए। जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन उसने अपना करवाया दोस्तों, तब उसने ये कहा है कि एक जन्म में दोस्तों, फिलहाल का जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान है उस भाग में कहीं तो उसका जन्म हुआ था एशिया में। और उसने ये कहा दोस्तों कि उस जन्म में उसने एक, जब जन्म ऐसे होते हैं तो हम उस जन्म को कभी कभी महसूस कर सकते हैं दोस्तों, तो उस जन्म में जब उसने देखा, तब उसने ये महसूस किया दोस्तों कि उसका जो कमर से नीचे का भाग है, जो पैर है उसके, वो पूरी तरह से लकवा मार गया है। मतलब वो ज़रा भी हिलते डुलते नहीं। उस जन्म में वो बहुत ही बुरी कंडीशन में थी दोस्तों, और उसको कोई भी नहीं पूछता था, और ये बेचारे भीख मांगकर किसी तरह से अपना गुजारा करती थी वो औरत। और उसने ये देखा दोस्तों कि उसको पूछने वाला कोई नहीं था, बेचारे को खाना भी कोई नहीं देता था, और बहुत ही एकदम बुरी ज़िंदगी उसकी बीत गई थी दोस्तों। और वो एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो बूढ़ी औरत थी वो इस दुनिया से चली गई, और उसको उसने कहा है कि उसके अंतिम संस्कार भी करने वाला उस दुनिया में कोई भी नहीं था उसका अपना, और किसी ने इंसानियत भी नहीं दिखाई। और वो किसी तरह से उसका जो जन्म था दोस्तों वो ख़त्म होकर वो जब आत्मलोक में गई, तब उसने ये कहा है दोस्तों कि उसके सामने एक बहुत ही पवित्र आत्मा आई। ये जो पवित्र आत्मा को देखकर इसको इतना गुस्सा आ रहा था कि कितनी बुरी ज़िंदगी मुझे मिली है परमेश्वर। अब जो पवित्र आत्मा थे तो उनको ये कहने लगी कि आपने मुझे कितनी बुरी ज़िंदगी दी है, ऐसी ज़िंदगी कौन चाहेगा। और ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी इन सारी चीज़ों पर। तो वो जो पवित्र आत्मा थी दोस्तों, उसने इनके
शरीर में या फिर इनके मन में कुछ ऐसी शांति डाली तो इनको बहुत ही अच्छा लगा इन सारी चीज़ों से। और वो जो पवित्र आत्मा थी उसने इनको ये कहा कि तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई जन्म आना महत्वपूर्ण था, तो इस वजह से खुद तुम्हारी आत्मा ने उस वक्त ये चयन किया था। धीरे धीरे तुम इन सारी चीज़ों को समझ जाओगी, लेकिन महत्वपूर्ण यही था कि तुम अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़ती हो और तुम्हारे जो काम है वो तुमने बहुत ही अच्छे से किया है, अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसी जो नौबत आई थी तुम्हारे जीवन में वो अभी कभी भी तुम्हारी आत्मा के सामने नहीं आएगी, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो आगे का भविष्य है वो बहुत ही अच्छा है, तुम मत चिंता करना। तो इन सारी बातों को सुनकर वो जो आत्मा थी ब्रूक की, उसको बहुत ही सुकून मिला और वो बहुत ही खुश हो गई अपने आप से। कि एक तो खुश हो गई कि वो इस चंगुल से छूट गई, और दूसरी खुशी का वो जो ज़्यादा बड़ी खुशी ये थी कि उसने जो अपना काम था, जो चुनौतियाँ थी, वो बहुत ही अच्छे से उसने पार की थी दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों से वो बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी, उसने आगे की ज़िंदगी जो वो शायद यही चुनाव किया होगा, जहाँ पर वो एक डॉक्टर है और वो ना कि सिर्फ अच्छे अहदे पर है बल्कि लोगों की भी सेवा कर सकती है, तो इस वजह से वो उसका जो स्तर है वो भी अच्छे से बढ़ सकता है। उसको एक बहुत ही अच्छा परिवार भी मिला है इस दुनिया में। लेकिन क्या होता है दोस्तों, वो जो आत्मा थी उसकी या फिर आत्मा के अंदर जो दुख कभी कभी बैठा होता है, वो वैसा ही थोड़ा सा दुख उसके आज भी आत्मा के अंदर बैठा था। वो दुख क्या था कि अकेलापन, उस जीवन में जैसे वो अकेली थी, उसको देखने वाला कोई नहीं था, उसको प्यार करने वाला कोई नहीं था, उसको वक्त पर खाना खिलाने वाला कोई नहीं था। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं उसके जो मन में वो डर बैठा था वो आज भी वैसे ही बैठा। लेकिन ब्रूक ने अपने आप को किसी तरह से संभाल लिया और उसने यही सोचा कि मुझे इस बारे में अब चिंता नहीं करनी है, वो तब की बात थी, लेकिन अब मुझे फ़िलहाल जो मेरे सामने वक्त है उसमें लोगों के सामने खुशियाँ देखकर या फिर लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाकर मुझे एक अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश करनी होगी। और उसने यही सीखा दोस्तों कि कभी कभी कुछ पुरानी जो बातें होती है हमें उसको भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। पुरानी ही बातें बार बार वही दोहरा कर हम जितना वो दुखी हो सके उतना अपने आप को कभी कभी दुखी कर लेते हैं। ऐसे वक्त में कुछ ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे कि उनके जीवन में बहुत अच्छा कुछ चीज़ें हो जाती है लेकिन वही दुख को लाकर वो फिर से रोने लगते हैं या फिर दुखी होते हैं। तो ऐसे लोगों के सामने कितनी भी खुशियाँ आई वो उसे खुशियों को जीने ही पाते। तो ब्रूक हमसे यही कहती है कि जो बीत गया है उसके बारे में हमें नहीं सोचना है, हमें आगे जिस तरह से हम बढ़ सकते हैं या फिर जिस तरह से अपना कर्म कर सकते हैं उसके बारे में सोचकर आगे की ज़िंदगी जीनी होगी, और उसी तरह से हमारा आत्मा का विकास होगा। जिस तरह से गया जन्म बहुत ही बुरा था उससे थोड़ा सा आज का जन्म अच्छा था, तो हम यही सीख सकते हैं दोस्तों कि आज अगर हम जन्म में कुछ अच्छा कर्म करते हैं तो इससे अच्छा अगला जन्म होगा, और एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पर हमें बाद में जन्म लेने की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम शायद मोक्ष को भी प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें बहुत ही अच्छे से कर्म करना होगा और अपने कर्तव्य पर चलकर हमारे जीवन का सार्थक करना होगा। आज के इस भाग को लेकर दोस्तों आपके अगर कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं, आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी, और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े, इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।